हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं चिकन भुना बनाने जा रही हूँ। आप सबको बहुत पसंद आएगा, एकदम अलग और नए तरीके से। ये मैंने चिकन लिया है 1 केजी। इसको अच्छे से वाश कर लिया है। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। इसमें एक एक करके फ्राई करने के लिए चिकन डाल देंगे। एक एक करके सब डाल दिए। तो हमारा चिकन एक तरफ से फ्राई हो गया है, इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे एक एक करके। दस मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसे भी लो फ्लेम पर 10 मिनट फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से चिकन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल फिश की तरह, जैसे फिश फ्राई होता है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक एक करके। इसे सब मैंने निकाल लिया है। फिर जो बचा हुआ चिकन है उसे हम फ्राई में डाल देंगे। मैंने दूसरे राउंड भी सारे चिकन को डाल दिया है। अब इसे भी 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हमारा चिकन फ्राई हो गया है। इसमें 4 पीस ऑनियन डाले हैं, जिसे मैंने काट लिया है। इसे फ्राई होने तक हम इसको पकाएंगे, जब तक यह ब्राउन नहीं हो जाए। ये मैंने मसाला के लिए एक बड़े साइज का प्याज काट लिया है। ये अदरक है, ये लहसुन की कुछ कलियां हैं, ये 2-3 पीस लाल मिर्च है, ये लौंग है, ये दालचीनी है, और ये ग्रीन इलायची और ब्लैक इलायची, और ये तेज पत्ते हैं 2-3 पीस। और ये मसाले में मैंने ली है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, और ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है चाट मसाला, और ये हल्दी पाउडर। अब ये सारे खड़े मसाले के हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। सब डाल के हम पीस लेंगे। अब हमारे ऑनियन लाइट ब्राउन हो गए हैं, इसमें हम मसाला डालेंगे।
सारे मसाले हम मिक्स कर देंगे और इसको हाफ घंटे पकाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब हमारे मसाले आधे घंटे हो गए हैं पकते हुए, बिल्कुल इस तरह लग रहा है ना, कितना अच्छा। अब इसमें जो फ्राई किया हुआ चिकन है वो सब डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। पंद्रह से बीस मिनट गोश्त के साथ। अब हमारे चिकन अच्छे से मसाले के साथ पक गए हैं। देखिए कितना अच्छा भुना हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद से दो या तीन मिनट के लिए हम पका लेंगे। अब हमारे चिकन भुना बनकर रेडी है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने सारे चिकन को एक बाउल में निकाल लिया है। अब हमारा चिकन भुना रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसे पराठा के साथ या तंदूरी रोटी के साथ ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।